तो हेलो गाइस, अभी मैं पहुंची हूँ तत्तापानी। आज मैं जा रही हूँ मम्मा के पास। तो यहाँ पे अभी 15 मिनट, आई थिंक 15 या 20 मिनट बस रुकती है। तो मैं इस वक्त आई हूँ घूमने। तो यहाँ का व्यू ये कुछ ऐसा है, लुक। अब थोड़ी देर बस रुकेगी और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। तो मुझे बस नज़र आ रही है, और क्योंकि वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लोग हैं तो मुझे वहाँ पे शूट करना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे मैंने शूट किया, लुक। बट मेरे पास कभी टाइम नहीं होता है, बट कभी सोच रही हूँ कि संडे के दिन हम यहाँ पे आने का प्लान करेंगे। इस बस में तो मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत तेज़ नींद आई। अब यहाँ तक मैं सोते सोते आई हूँ, आई थिंक मेरी नींद पूरी हो चुकी है, अब रात को मैं लेट ही सोऊंगी। तो हेलो गाइस, अभी पहुँच चुकी हूँ मम्मा के पास, मम्मा के रूम पे। तो अभी आगे की प्लानिंग ये है कि हमें जाना है दिल्ली। अब खाऊंगी मैं गुलाब जामुन, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। और रास्ते में आते आते तत्तापानी तक तो मुझे नींद आ गई थी बस में, बट यहाँ तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बट एक साथ वाली आंटी थी, वो बिल्कुल मज़े से सोई थी, बट उसको देख के ना सीरियसली मैं मुझे भी मन कर रहा था कि काश मुझे भी इतनी अच्छी नींद आ जाती बस में। मम्मी पूछ रहे हैं कि मैं क्या पहनूं, ये वाली ड्रेस ठीक है? तो गाइस, अब खाऊंगी मैं गुलाब जामुन, मम्मा को भी रखे हैं। अब मैं ये सारे नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी सिर्फ एक। यम्मी, बहुत यम्मी है। शिमला के गुलाब जामुन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और खाऊंगी गुजिया, और खाऊंगी मैं गुजिया। गुजिया होती है मुझे बहुत अच्छी, और मैं गुजिया खाऊंगी क्योंकि गुजिया भी मेरी फेवरेट है, बहुत ही यम्मी है। तो गाइस, ये ना मम्मी ने पहले ला के रखे हुए थे, उनको पता है कि रखी को स्वीट्स बहुत पसंद है, तो मैंने मम्मा को दे ना वो, तभी मैं मम्मी से यही मंगवाती हूँ, पता है आपको। बहुत यम्मी है। तो मम्मा ना पहले ही लेकर आए हुए थे ये सब चीज़ें मेरे लिए, है ना मम्मी? मम्मी ने मेरे लिए गुलाब जामुन लाए थे और गुजिया लाई थी, क्योंकि मम्मी को पता है कि लक्की को बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा, इसलिए थैंक्स मॉम ये लाने के लिए मेरे लिए। तो गाइस, आज मैं देखूंगी मम्मा ने क्या बनाया खाने को। ये बनाइए मम्मी, ये क्या बनाया आपने खाने में आज? क्या बनाया आपने कड़ी में? फेवरेट बना के रखा है। आपको पता था कि लक्की का सारा फेवरेट सिस्टम करके रखना है? बिल्कुल पता था। अच्छा, तो मेरी सारी तैयारियां मेरे लिए बहुत स्पेशल करके रखा है मम्मी ने। तो फिर खा लें हम खाना, सैलेड है क्या? नहीं खाना, ठीक है। रात को मम्मी सैलेड नहीं खाने देती, क्योंकि मम्मी मना करते हैं बिल्कुल कि सैलेड नहीं खाना है। खाना है तो सिर्फ चावल दाल या चपाती सब्जी, बस अचार खा लो उसके साथ, कोई बात नहीं। तो गाइस, अभी मैं पहुंची हूँ शिमला। तो ये आईएसबीटी से जाऊंगी मैं दिल्ली। तो मम्मा वेट कर रहे हैं, वॉल्वो हमने बुकिंग करवा ली थी, तो अब जाएंगे हम दिल्ली, इस मॉर्निंग पहुंचेंगे। हेलो गाइस, तो इस टाइम बज रहे हैं रात के 2:30। तो मैं हूँ कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में रुकी है हमारी बस, और यहाँ से अभी आई थिंक 3-4 घंटे तो लगभग लग ही जाएंगे हमें दिल्ली पहुँचने में। तो मम्मा ने किया ऑर्डर चाय, तो मम्मी बोल रहे हैं चाय पी लेते हैं, बट मैं मना कर रही थी, अभी तक बहुत तेज़ नींद आई हुई थी, बट मम्मी मान गई, चाय पी लेते हैं। चाय के बाद जाएंगे बस में, और बस में सो जाएंगे फिर दोबारा। गाइस, वहाँ पे मम्मा को कुछ खाने को तो मिला नहीं, अब यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है बर्गर। तो यहाँ पे भैया को बोला है मैंने बर्गर बनाने, तो अभी ये बर्गर बना रहे हैं टेस्टी सा, तो हम खाएँगे बर्गर रात के 2:30 बजे। तो गाइस, पूरी रात सफ़र करने के बाद मैं पहुंची हूँ अभी मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन में बैठूंगी मैं वुमन स्पेशल में, यहाँ पे सिर्फ लेडीज बैठती है, और अब जाएंगे हम अपनी कज़न के रूम। तो गाइस, हम जा रहे हैं मेट्रो से किटोरी अपनी कज़न के रूम, मैं और मम्मा भी बैठे हैं। तो पूरी रात थक गए हैं हम ट्रैवल करके, इस टाइम हालत बहुत बुरी है, आप देख ही रहोगे हमारी शक्लों की बैंड बज चुकी है। गाइस, अब हम उठा के फ्रेश होके फिर हम शॉपिंग करने जाएंगे, फिर ही बाजार में।